हमीरपुर जिला के सुजानपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत मझोक सुल्तानी के गांव पंजाली में लोगों ने सड़क को पक्का करने के कार्य में सुस्ती के चलते हो रही परेशानी पर रोष व्यक्त किया और आज सड़क पर बांस और पत्थर लगाकर सड़क को बंद कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क पर बार बार मिट्टी फेंके जाने के कारण उनके घर में लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है और लोग बीमार हो रहे हैं। तो वहीं पशु चारे के लिए पेड़ों पर घास को भी नुकसान पहुंच रहा है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क पर रोजाना पानी का छिड़काव किया जाए ताकि मिट्टी न उड़े और जल्द से कार्य पूरा किया जाए। स्थानीय निवासी बलदेव सिंह ने कहा कि सालों से सड़क काम चला है लेकिन विभाग ने आज तक इस सड़क को पक्का करने के लिए सही कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क से उठने वाली धूल के चलते घर में लोगों व पशु बीमार पड़ रहे हैं और लोगों को हर दिन इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से जल्द कार्य पूरा करने की मांग की। समस्या क्या, समस्या एक साल से है। इधर हमारे जितना भी घास था वो भी पूरा बर्बाद हो गया। अभी पशुओं के जो बांस हैं, ब्यूड़ है, वो चारने हैं तो उनके ऊपर भी जो दो दो इंच मिट्टी है और घर में सब बंदे बीमार हैं, पशु बीमार हैं और प्रशासन जो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। 6 महीने हो गए इसको मिट्टी डाले हुए और ना कोई पानी छिड़क रहा है ना कोई इसको देख रहा है और पूरा रोड जो है इससे तो पहले दुनिया भर का अच्छा था। ये समस्या थोड़ी है और पूरे घरों को देख लो, आसपास जितने 5-7 घर हैं सब तरपाल लगे हुए हैं। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं या तो इसमें पूरा दिन पानी छिड़कते रहो 2-3 टाइम ताकि मिट्टी ना उड़े और जल्दी से जल्दी इसको पक्का कर। भूतपूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि गांव वासियों को सड़क के पक्का करने के कार्य में कछुआ गति से चलने से हर दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क पर फेंकी गई मिट्टी के चलते उनके घर का बुरा हाल हो गया है और उन्हें अपने घर के दरवाजे व खिड़कियों को पॉलीथीन लगाने पर मजबूर होना पड़ गया है। उन्होंने प्रशासन से जल्द समस्या के हल करने की गुहार लगाई है। ऐसे है कि हमें कोरोना से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इस मिट्टी की वजह से हो चुकी है। कल को मेरी फैमिली से एक आदमी बीमार होगा तो मैं ठेकेदार कैसे ले जान लूँगा पूरा। 3 दिन मेरी भैंस बीमार रही इसी वजह से। हम कहते हैं कि इसको रोड को या तो लगातार इसमें पानी कंटिन्यू या इस रोड को जल्दी से जल्दी पक्का किया जाए। महिला रक्षा देवी व इसरो देवी ने कहा कि सड़क से उड़ रही मिट्टी के चलते कपड़े सुखाने में भी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि मिट्टी के कारण घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और लोगों को बीमार होने का खतरा मंडरा रहा है। हाँ, जो तो भाई जीना मुश्किल हो गया थी। मिट्टी पूरी कमरे च रह रही, पूरे कमरे का नाते पूरे तिरपाल लगी है, पूरे मेरे प्रति तिरपाल लेंदे, पूरे कमरे च फिरदे ते बांधे, रोटी नहीं खा सकते, कुछ नहीं। रोटी च जा भांडे बर्तन पर इतनी इतनी मिट्टी बैठी अंदर रसोई च, पूरे कमरे फुले, पूरे बिस्तरे फुले मिट्टी ने, बुन्ना ते मिट्टी आ दी, उपरा ते मिट्टी आ दी। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? छोड़ पक्की करा सड़क और क्या, 3 टाइम पानी छिड़का ताकि आंदे माला दिखा मैं अज 50-50 हजार की मैस बननी पूरी फिर मिट्टी बैठी हो। समस्या है वे मकान दे हां जे दोई पासियां दी मिट्टी है, ना कपड़े धो सकदे ना नहा सकदे, कने बीमार हो जाते भाई सारे, फिर बोला दे कोरोना कोरोना बाहर कुते निकलना, इतनी भारी मिट्टी कट्टा अंदर जा दा। बुजुर्ग घर सियाने बोलदे सियाने सही तो मुश्किल है।